ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो खांसी करते ही है, बच्चे खांसी क्यों करते हैं? चार कौन सी बड़ी वजूहत है जो एज ए पेरेंट आपको पता होनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दाद अली फारूकी, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि वो चार कौन सी ऐसी बड़ी वजूहत हैं जो एज ए पेरेंट आपको पता होनी चाहिए कि बच्चा खांसी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और फिर उसके लिए रेमेडी क्या आपने करनी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो बच्चों का नाक का मसला होता है कि आपने एज ए पेरेंट गौर करना है कि बच्चे का नाक जो है वो बंद तो नहीं है, उसके अंदर सिक्रीशन या रेशा तो नहीं मौजूद, या उससे ऐसे करके देखें तो उसके अंदर कोई रेशा जमा हुआ तो नहीं है, या बच्चा ऐसे करता है कि बार बार उसे गला साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिए, बच्चे छोटे होते हैं, छोटा सा उनका नाक होता है और ज़रा सा रेशा रतूबत भी काफ़ी होती है उनका नाक बंद करने के लिए। तो बच्चों के केस में उन्हें खुद अपना नाक साफ़ करना नहीं आता, ना ही जो नाक से रेशा गले में जाता है उसको स्वालो करना आता है। तो इसलिए आपने गौर करना है कि बच्चा कफ कर रहा है तो उसके को नेज़ल इशू तो नहीं है, कि जब से खांसी कर रहा है उसको फ्लू जुकाम वो चलता रहता है, साथ वो खांसी करता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी कॉमन वजह है। बच्चों को नेज़ल सिक्रीशन को हैंडल करने का एक ही तरीका आता है कि वो सिक्रीशन गले में जाती है, या वो वॉमिट कर देते हैं, या फिर वो खांस के निकालते हैं। दूसरी जो बड़ी कॉमन वजह है बच्चों के केस में खांसी करने की, तो वो है मैदे की तजाबियत, उसका गले की तरफ आ जाना। आप में हम बड़े हैं तो हमारे केस में जब हम खाना खाते हैं तो खुराक की नाली सीधी जब मैदे में खुलती है तो उस पर ढक्कन लगा हुआ है, और जब हम खाना खा लेते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है। यही वजह है कि हम बड़े अगर हम कोई उल्टा भी लटका दें तो हमारे मैदे का मवाद या खाना मुँह के रास्ते बाहर नहीं आता, क्योंकि मैदे का ढक्कन स्ट्रांग है। बच्चों के केस में ये वाला जो ढक्कन होता है कमज़ोर होता है। यही वजह है कि बच्चा जब खाना खाता है या पानी पीता है या खुराक खाता है और साथ ही अगर उसे प्रॉब्लम होती है तो उसके मैदे का मवाद सारा जो है ना फौरन गले की तरफ आ जाता है। उसके जो मैदे का ढक्कन है बड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और बच्चे इसलिए वॉमिट ज़्यादा करते हैं कि ज़रा सा दूध पिया, ज़रा सा पेट गड़बड़ हुआ, फट वॉमिट आ गई, ज़रा सा बुखार हुआ, फट वॉमिट आ गई। तो एक बड़ी वजह जो बच्चों में खांसी करने की होती है वो उनकी मैदे की तजाबियत या मैदे का मवाद उसका गले की तरफ वापस आता है। तो आपने भी गौर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा खांसी करता है और खांस के बाद वॉमिट करता है, फिर कहीं जाकर उसको सुकून मिलता है। तो ये दूसरी बड़ी कॉमन वजह है। तीसरी जो बड़ी अहम वजह है वो है कि आपने खांसी पे गौर करना है कि बच्चा जब खांस रहा है तो उसकी खांसी की आवाज़ कैसी है। कहीं खांसी की आवाज़ में वीजिंग सिटी की आवाज़ तो नहीं आ रही, जिसको पेरेंट्स कहते हैं पसलियाँ चलना। मैं अभी आपको वो खांसी की आवाज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। आपने गौर किया ये खांसी की वो आवाज़ है जिसमें सांस में सीटी की आवाज़ आ रही है, इसे कहते हैं वीजिंग वाली कॉफ। तो ये जो कफ है, खांसी की जो किस्म है, ये उस वक्त होती है जब बच्चों के सांस के लंग्स के जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उनके अंदर जो सोजश आ जाती है। इसी के इलाज के लिए फिर इनहेलर या नेबुलाइजर की दवाई की ज़रूरत होती है। जबकि इसके अलावा जो मैंने पहले दो खांसी की अकसाम जिक्र की है वहाँ पर इनहेलर या नेबुलाइजर का फ़ायदा नहीं होता। चौथी और बड़ी अहम जो वजह है वो होती है कि बच्चों के केस में कहीं उनके कान का प्रॉब्लम तो नहीं है, कान बंद हो, कान में खारिश हो रही हो, जब बच्चा बार बार कान पे हाथ रखता हो। तो ये एक बड़ी अहम वजह है जिसकी वजह से बच्चे खांसी करते रहते हैं। तो याद रखिए, आपने इन चारों चीज़ों पे गौर करना है कि बच्चा जो खांस रहा है उसको नेज़ल इशू तो नहीं, बच्चा खांस रहा है उसको कोई वॉमिटिंग या स्टमक इशू तो नहीं, बच्चे की खांसी में सीटी की आवाज़ तो नहीं आ रही, या बच्चे को कोई कान का मसला तो नहीं है। तो अगर आपके बच्चे को खांसी हो रही है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, और आप दिखा चुके हैं, मशवरा कर चुके हैं, दवाइयाँ दे चुके हैं और अभी तक अफाका नहीं हो रहा, तो आप अपने बच्चे को दिखाने के लिए रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज भी मैसर हैं और इन पर्सन क्लिनिक भी आके भी दिखा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।